आशंका जताई जा रही है, आपने भी आशंका जताई कि चुनाव के पहले कुछ बड़ी धार्मिक घटना हो सकती है, क्यों आपको ये डर सता रहा है? हमको ये डर सता नहीं रहा है, ये सत्य है कि लोगों के मन में जो डर है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक घुनौना काम कर सकते, ऐसा आरोप है सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहां के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं किया गया चुनाव जीतने के लिए, गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं लोगों के मन में शंका है। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पथराव पर और ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भर जाएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है और ये हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना। अगर नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी, इस प्रकार के कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना चाहिए।